दो संकटों से गुजर रहा है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग, दूसरी तरफ आतंकवाद। क्या उपाय है इसका? आखिर इसके मूल में कौन सी चीजें पड़ी है? होलियर देन थाउ, तेरे रास्ते से मेरा रास्ता ज्यादा सही है, यही तो भाव है जो कॉन्फ्लिक्ट की ओर हमें घसीटता ले चला जा रहा है। विस्तारवाद, यही तो है जो हमें कॉन्फ्लिक्ट की ओर ले जा रहा है। युग बदल चुका है, विस्तारवाद समस्याओं का समाधान नहीं है। हम हॉरिजॉन्टल की तरह ही जाए समस्याओं का समाधान नहीं है, हमें वर्टिकल जाने की आवश्यकता है, अपने भीतर को ऊपर उठाने की आवश्यकता है, व्यवस्थाओं को आधुनिक करने की आवश्यकता है, नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए उन मूल्यों को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। और इसलिए समय रहते हुए मूलभूत चिंतन के प्रकाश में, समय के संदर्भ में आवश्यकताओं की उपज के रूप में नई विधाओं को जन्म देना। वेद सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी हम ही लोग हैं जिन्होंने वेद के प्रकाश में उपनिषदों का निर्माण किया। उपनिषद में बहुत कुछ है, लेकिन समय रहते हमने भी वेद के प्रकाश में उपनिषद, उपनिषद के प्रकाश में स्मृति और स्मृतियों को जन्म दिया। और उसी और स्मृति और स्मृतियां जो उस कालखंड को दिशा देती है, उसके आधार पर हम चले। आज हम में से किसी को वेद के नाम भी मालूम नहीं होंगे, लेकिन वेद के प्रकाश में उपनिषद, उपनिषद के प्रकाश में श्रुति और स्मृति, वो आज भी हमें दिशा देती है। समय की मांग है कि अगर 21वीं सदी में मानव जात का कल्याण कर रहा है, तो चाहे वेद के प्रकाश में उपनिषद रही हो, उपनिषद के प्रकाश में श्रुति और स्मृति रही हो, तो स्मृति और श्रुति के प्रकाश में 21वीं सदी के मानव के कल्याण के लिए किन चीजों की जरूरत है। ये 51 अमृत बिंदु शायद पूर्णतया न हो, कुछ कमियां उसमें भी हो सकती है। क्या हम हर कुंभ के मेले में ऐसे अमृत बिंदु निकाल करके आ सकते हैं? मुझे विश्वास है कि हमारा इतना बड़ा समागम, कभी कभी मुझे लगता है दुनिया हमें कहती है कि हम बहुत ही अनऑर्गेनाइज लोग हैं, बड़े ही विचित्र प्रकार का जीवन जीने वाले, बाहर वालों के नजर में हम देखते हैं, लेकिन हमें अपनी बात दुनिया के सामने सही तरीके से